जैस्मिन भसीन अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से शेयर करती हुई दिखाई दी है। हर बार हर एक चीज के बारे में उन्होंने बताया और अब उन्होंने अपने बचपन से जुड़ा एक और फनी किस्सा शेयर किया रुबिना और अभिनव के साथ। जैस्मिन ने बताया कि जब मैं छोटी थी तो बड़ी ही बेवकूफ बच्ची थी, 11th स्टैंडर्ड में थी, कोचिंग पे बड़ी हाई फाई स्कूल की लड़कियां मेरी दोस्त बन गई तो सलाम नमस्ते आई थी। उस वक्त पर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि चलो एक शो देखने चलते हैं, मूवी काफी अच्छी है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी इतनी समझदार थी कि मेरी दादी को मेरे साथ चिपका दिया। भाई हाई फाई स्कूल की लड़कियां थी वो, तो भाई वो बंठन के आई और मैं सबको बोल रही कि भाई मेरी दादी है, मेरी दादी है। तो वहां पर एक गाना होता है ना वो कजिन्स वगैरह के साथ, तो उसमें मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि ये स्मूच होता है एंड देन आई गेट टू नो इट दैट इज स्मूच। बट मेरी दादी काफी अंडरस्टैंडिंग थी तो वो मेरे साथ नहीं बैठी, दूर जाकर बैठ गई थी, बिकॉज उनको भी मालूम था कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, अपनी जैसी बातें करेंगे, मजाक मस्ती होगा, तो पहले चली गई। मेरी मम्मी टीचर थी ना तो पिकनिक वगैरह पे जाना होता तो चलता है, लेकिन अकेले कभी भी कहीं नहीं जाने दिया। मेरी कजन सिस्टर के पास ही मुझे अकाउंट्स पढ़ने के लिए भेजती थी जो हमारे घर के जस्ट पीछे था। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर, कटलेस, अनसीन, अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।